करीब 800 टन कूड़ा पटना से हर दिन उठाया जाता है। अब आप हिसाब लगाइए कि बीते 8 दिनों से अगर पटना में कूड़ा नहीं उठाया गया है तो करीब 6400 टन कूड़ा पटना के अलग अलग हिस्सों में पड़ा हुआ है। पीछे मेरे आप तस्वीर देख सकते हैं, पटना का ये बोरिंग रोड है, पॉश इलाका है, लेकिन किस तरीके से कूड़ा फैल चुका है। एक तो बारिश हो रही है, दूसरा ये कूड़ा जो 8 दिनों से एक जगह पर डंप किया जाता रहा है लेकिन इन्हें उठाने वाला नहीं है, सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है। आपको इस कूड़े के ढेर में पीपीई किट भी नज़र आ रहा होगा। कोविड पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है और इन सबके बीच बीते 8 दिनों से पटना कूड़े के ढेर पर है, तो स्थिति किस तरीके की होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और इतना ज़्यादा बदबू कर रहा है कि मुझे लग रहा है मेरा मास्क पहन लेना चाहिए, क्योंकि मुश्किल है यहाँ पर खड़ा रहना, इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है। पटना में जितने सफाई कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर है। बीते 3 दिनों से सरकार से बातचीत की कोशिश हो रही है लेकिन नतीजा बेअसर है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम भागवत उपाध्याय। सब्जी लेने निकले बहुत ज़्यादा कूड़ा है, भयंकर। जब तक ये नहीं होता अब और ज़्यादा और बुरा हो रहा है, पानी बरस रहा है, ये फैल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बदबू आ रही, तो गलियों में इस तरह से यही इतना ही नहीं है, चारों तरफ कूड़ा का ढेर लगा हुआ है। कितने दिन बाद निकले आप घर से? घर से हर दिन निकलना पड़ता है? करीब करीब उसी तरह से नाक ढक करके निकलिए। आप क्या नाम है आपका? क्या आपका नाम? शांति देवी। सामान खरीदने? हाँ। और इतना ज्यादा कूड़ा है आपकी कॉलोनी के पास? बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत तबाही है, हाँ बीमारी फैल जाएगी। बोरिंग रोड में अगर मैं आपको तस्वीर समझा सकूं, बाईं तरफ कूड़े का ढेर है और ये ढेर बीते 8 दिनों से पड़ा हुआ है और चूंकि ये इलाका चलता फिरता है, यहाँ से लोग गुजरते हैं। दूसरी तरफ दाईं तरफ सब्जी मार्केट है, ठेला लगाकर सभी दुकानदार सब्जियाँ बेचते हैं, लेकिन इन लोगों को भी दिक्कतें आ रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी कस्टमर अगर सब्जी खरीदने आता है तो कूड़ा इतना ज़्यादा बदबू दे रहा है कि मुश्किलें आ रही हैं। क्या नाम? मेरा नाम अरुण प्रसाद है। कितने दिनों से यहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है? 10 दिन से। आप लोगों को दिक्कत आ रही है? बहुत है दिक्कत है। हाँ। क्या दिक्कत आ रही है? कूड़ा कचरा का चलता है, बदबू आ रहा है, गांव के न ठहर रहा है, ऐसा सारी बात है। और आप लोगों को बहुत बहुत काफी दिक्कत है, बहुत मुश्किल है, बदबू आ रहा है, ऐसा आ रहा है। फल खरीदने निकले हैं भाई, मतलब बेच रहे हैं आप? जी, सुरेंद्र कुमार। मैंने देखा अभी आप नाक बंद करके बैठे हैं। हाँ, कूड़ा के चलते नाक बंद करके, बहुत बास आ रहा है और सफाई भी नहीं 10 दिन से हो रहा है, ग्राहक भी नहीं रुक पाते हैं, यहाँ पर आते हैं चले जाते हैं, कूड़ा महकता है। इसके लिए देखिए जाएंगे कहाँ, सभी जगह पर तो कूड़े का ढेर लगा हुआ है। सरकार को जल्दी निर्णय लेना चाहिए इनकी, इसके लिए जो भी मांग है उनको पूरे करे और खत्म कराए कूड़ा, नहीं तो पूरा पटना कूड़े से भर जाएगा। नुकसान बहुत है, बाकी सरकार ध्यान नहीं दे रहे तो हम लोग क्या करें, हम लोग तो गरीब आदमी हैं, किसी तरह कमाना खाना है। क्या नाम? प्रकाश। आपका यहाँ मेडिकल स्टोर है, पीछे कूड़े का ढेर है, दिक्कत? बहुत ज़्यादा दिक्कत है, स्मेल कर रही है, प्लस बहुत गाय वो सब मवेशी, बहुत दिक्कत है। लोग भी आते होंगे आपके पास, कस्टमर्स? हाँ, दिक्कत होती है। आपका क्या नाम है? अमन कुमार। आप पहली बार इस इलाके में? जी मैम। घर से निकले हैं, पूरा शहर कूड़ा कूड़ा हो चुका है, 8 दिन से ऐसी तस्वीर है। आम लोगों को क्या किस तरीके की दिक्कत है? बहुत ज़्यादा स्मेल जाता है मैम, जब पास से गुजरिए तो नाक बंद करना पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है मैम। आपको लगता है कि सफाई कर्मचारियों की जो मांगे हैं और सब अभी ठीक है मैम? आप सिटी जाके देखो, उधर बहुत बुरा हाल है, पानी लग गया है, पूरा रोड पे आ गया है, बहुत दिक्कत उधर सिटी। मतलब सफाई कर्मचारियों की मांगे और सरकार की जो जिद है उस बीच में आम जनता जो है वो पिस रही है। जी मैम, जी मैम, मांगे जो भी है पूरी करने चाहिए मैम। किस तरीके से आपको लगता है खतरा है इससे बच्चों को और ज्यादा? वायरस गंदगी में ग्रो करता ही है, हम सब जानते हैं, और इस समय गंदगी बढ़ी है तो आपको मालूम है अभी जो वायरस चल रहा है ये मानसून के साथ ही चलता है, वैसे भी बरसात काफ़ी होने से गंदगी वैसे भी बढ़ जाती है, और अगर इसमें अगर कूड़ा गंदगी बहुत ज़्यादा है तो वायरस ज़्यादा ग्रो कर रहा है। इसमें
बच्चों के साथ साथ सियाने करीब करीब सब लोगों को फीवर तो आ ही रहा है इसमें, और फीवर के साथ में सर्दी खांसी जुकाम ये सारा चीज़ अभी हम सब लोग देख रहे हैं। पैंडेमिक भी चल रहा है और जैसा हम सब जानते हैं पैंडेमिक में हाथ की सफाई होनी ज़रूरी है, मास्क डिस्टेंसिंग, वैसे ही इस वायरस के लिए भी है, आपको सफाई बहुत ज़रूरी है, मास्क पहनना चाहिए। और जहाँ तक मेडिसिन का सवाल है, मेडिसिन में कुछ गलती लोग कर रहे हैं, शुरू में ही एंटीबायोटिक खा लेते हैं, एंटीबायोटिक इसमें नहीं खाना चाहिए। पैरासीटामोल फीवर के लिए लेना है, सर्दी के लिए कुछ एंटी एलर्जिक ले सकते हैं आप, कफ सिरप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सफाई होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हाइजीनिक होना बहुत ज़रूरी है, सही बात है। ABP News, आपको रखे आगे।